सभी का स्वागत है और उत्तराखंड की खबरों के बीच आपको गोरखपुर से खबर बता देते हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जमकर हुई मारपीट, गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमकर हुई मारपीट, डॉक्टर और परिजनों के बीच जमकर हुई मारपीट, गोरखपुर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने दो तीमारदार को हिरासत में लिया। वार्ड नंबर 14 में हुआ बवाल। गोरखपुर से खबर, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जमकर हुई मारपीट, डॉक्टर और परिजनों के बीच जमकर हुई मारपीट। विरोध में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। मारपीट में 4 डॉक्टरों की हालत गंभीर बताई जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशंकर यादव जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों में रहा है। तो जब यहाँ तीमारदार अपने पेशेंट को लेके आते हैं तो कभी न कभी यहाँ जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, ये तीमारदारों के साथ बदतमीजी करते हैं और मारते पीटते नजर आते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं बीते समय में हो चुकी हैं। आज का जो वारदात है, आपको बता दें, एक तीमारदार को लेकर, एक मरीज को तीमारदार लेके आए थे जो वार्ड नंबर 14 में एडमिट किए थे, जिसके बाद कुछ जूनियर डॉक्टरों से तीमारदारों की कहा सुनी होती है, जिसमें पहले जूनियर डॉक्टर जो है तीमारदारों को पीट देते हैं। हालांकि उसके बाद जब वहाँ तीमारदार के रिश्तेदार और लोग आते हैं तो वो लोग डॉक्टर को बुरी तरह से पीट देते हैं, जिसमें तत्काल जो है वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, जिनको चोट लगने की वजह से काफी चोट लग जाती है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस जब मौके पे आती है तो तीमारदार जो भी होते हैं वो वहां से फरार होते हैं। हालांकि पेशेंट के साथ जो दो लोग होते हैं वो रुके रहते हैं, जिनको पुलिस मौके से गिरफ्तार करती है और अपने साथ ले आती है। हालांकि इन सारे वाक्या के बाद, जो घटना के बाद, जो वहां के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक करने की भी कोशिश की है और स्ट्राइक भी किए, लेकिन प्रचार का, जब हमारी प्रचार से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और जल्द से जल्द ये स्ट्राइक खत्म कर लेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।